भारतातील हिंदू मुस्लिमांचे पूर्वज एकच असून देश पुढे नेण्याकरता सर्वांनी सोबत राहावं असं मत सरसंघचालक मोहन भागवतांनी व्यक्त केलं. तसंच इस्लाम परकीय आक्रमणांमुळे भारतात आला असून हा इतिहास असाच सांगायला हवा असं मत भागवतांनी व्यक्त केलं. त्यावर आपल्या ज्ञानात भर पडली असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी व्यक्त केलं. अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला. डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे. तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो. और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्व जाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चले जाए गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया. सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए हैं, जाते हैं. यह वहम उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है. इनके इसमें बताया है कि मारो और देखो मारो. इधर भड़का है, उधर भड़का है, दोनों में झगड़ा लगा है. और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं. उपाय कहाँ होगा इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा. इस्लामी गोष्ट चाहिए करता नवीन गोष्ट सांगितली की हे दोन्ही समाजाचं मूल जन्म एकाच कुटुंबात झालेलं आहे. माझ्याही ज्ञानात भर सोडलीची वाटत.